एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि VLCC का फेशियल आप कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप। VLCC फेशियल से क्या वर्क होता है आपके चेहरे पे, इसका क्या काम होता है, किस किस चीज़ों के लिए इसको यूज कर सकते हैं एंड इसके साथ कौन सा ब्लीच अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर होने वाली। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो सेकेंड चैनल पर सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियो जाते रहती है, अभी उस पर कुछ वीडियो नहीं जा रही है, बट आप कमेंट करोगे तो जरूर जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इंस्टाइड है आपको VLCC के पैक में इस तरीके की 6 पैकेजिंग आएगी, जो कि फर्स्ट है क्लींजिंग मिल्क। तो इससे पहले मैंने बताया कि ब्लीच सेंसिटिव स्किन पे कैसे ब्लीच करना है, अगर आपको ब्लीच सूट नहीं करता है तो कैसे ब्लीच करना है एंड 10 साल के बाद मैंने ब्लीच किया था अपने चेहरे पे, तो सारी डिटेल वीडियोस स्किन चली गई हैं, अपलोड हो चुकी हैं सेंसिटिव स्किन के लिए ब्लीच 10 साल के बाद जो मैंने ब्लीच किया था अपने चेहरे पे, क्यों इतने टाइम के बाद किया, सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो अभी बताऊंगी मैं VLCC का फेशियल कैसे करना है आपको घर पे। तो मैंने क्लींजिंग मिल्क अप्लाई कर लिया। सेकंड स्टेप है हमारा स्क्रब, इस पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, उस हिसाब से आपको करना है। ये सेकंड स्टेप है स्क्रब का। और VLCC का फेशियल, सॉरी VLCC तो मेरे में तो बहुत सारे फेशियल आते हैं। पपाया का फेशियल स्पेशली आपके स्किन के पिगमेंट को रिमूव करने के लिए होता है, डार्क धब्बों को हटाने के लिए होता है, स्किन टोन को लाइट करने के लिए होता है। तो पहले मैंने क्लींजिंग मिल्क अप्लाई कर लिया, फिर ब्लीच अप्लाई कर लिया। वीडियो अपलोड हो चुकी है, आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिएगा। सेकेंड स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे गुलाब जल यूज किया है एंड ये VLCC का स्क्रब है, VLCC पपाया स्क्रब, और इसको मैं अपने हाथों पे ले रही हूँ। ओके, तो इतना स्क्रब है। पहले पूरे फेस पे इस तरीके से फैला लेना है और इसको कैसे करना है वो सारी चीजें बता रही हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से लगा लिया है पूरा, तो इसको पूरे फेस पे फैला लिया और आपको फिंगर टिप से इसको मसाज करना है 5 से 10 मिनट तक। हल्का हल्का पानी ले सकते हो, चाहो तो आप गुलाब जल ले सकते हो। पांच से दस मिनट तक आपको स्क्रब करना है। पपाया स्क्रब आप ऐसे भी, पपीता का पपाया फेशियल किट नहीं है तो आप पपीता को मेल्ट पीस के और उसको उससे आप मसाज करोगे तो आपके स्किन का जो पिगमेंट है, दाग धब्बे हैं, वो रिमूव होने लग जाएंगे। उसमें आप थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा ग्रीन टी मिला लोगे तो और भी जल्दी आपका स्किन का जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगा। हल्दी भी मिक्स कर सकते हो। वैसे बाकी स्क्रब जो होती है वो आइज़ के ऊपर नहीं की जाती, बट इसके जो दाने होते हैं स्क्रब में वो बहुत ही कम है, तो आप इसको आइज़ के आसपास भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको स्क्रब को 10 मिनट तक करना है। आपको फेशियल महीने में एक बार करना है या फिर 15 दिन पे भी कर सकते हो, लेकिन ब्लीच करते टाइम आपको कम से कम 2 महीने का या फिर 1 महीने का गैप देना चाहिए। इसी तरीके से आपको 10 मिनट तक मसाज करना है थोड़ा थोड़ा पानी लेके। ओके, तो ये 10 मिनट तक हमने स्क्रब कर लिया है। स्क्रब करने से जितने भी हमारे स्किन पे टैनिंग है, डेड स्किन है और जो पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है, तो स्क्रब हमने यहाँ पे कर लिया है। VLCC फेशियल स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे पता चल रहा है। क्लींजिंग अप्लाई कर लिया, ब्लीच अप्लाई कर लिया एंड अभी स्क्रब अप्लाई कर लिया। स्क्रब अप्लाई करने के बाद से आपको अपना थर्ड स्टेप लेना है। थर्ड स्टेप है हमारा कुकुम्बर जेल पपाया फेशियल किट का है, तो इसको पहले हम लोग फेस पे तो गुलाब जल मारना ही है हर स्टेप के बाद।
आप चाहो तो स्टीम भी दे सकते हो, स्टीम देने पे और भी अच्छा ग्लो आएगा। तो जेल को मैं इस तरीके से निकाल ले रही हूँ। एक फेशियल किट में आपको तीन लोगों का फेशियल आराम से कर सकते हैं। तो पूरे फेस पे मैं इस तरीके से जेल को फैला ले रही हूँ। ओके, जेल को फैला के हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसको भी साथ में ले लेंगे। तो ये फोर्थ स्टेप है पपाया का मसाज क्रीम, ठीक है। तो इसको भी निकाल लेंगे। इतनी सारी क्रीम इसमें से निकली है, आराम से आप तीन लोगों का कर सकते हो इतने पैक में। पूरे फेस पे लगा लिया है। अभी स्टेप ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे करना है आपको। इसमें आपको हथेलियों से मसाज करना है इस तरीके से, कस्टमर पे भी ऐसे नहीं करना है, ऊपर की तरफ से करना है। ओके, कम से कम आपको 15 मिनट तक मसाज करना है। यहाँ पे हमारे प्रेशर पॉइंट होता है जिससे कि हमारी आईज पे जितनी प्रॉब्लम होती है वो रिमूव होती है। तो आपको यहाँ पे प्रेशर पॉइंट पे मसाज करना है, यहाँ पे मसाज करना है, इससे आपकी फोरहेड्स की लाइन जो होती हैं वो रिमूव होती हैं। यहाँ पे करना है, इससे आपके जो नोज के आसपास का लाफिंग लाइन होता है वो रिमूव होता है। यहाँ पे दबाना होता है, इससे क्या होता है कि पूरे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे ग्लो आने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आईज पे भी इस तरीके से करना है। आईज की स्किन जो पतली होती है वो काफ़ी हद तक ठीक होती है। तो इस तरीके से आपको मसाज करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है सर्कुलर मूवमेंट। सेकंड स्टेप में आपको मुट्ठी को इस तरीके से बंद करना होता है और ऐसे मसाज करना होता है। कस्टमर को भी आपको ऐसे ही मसाज करना है। तो इस तरीके से आपको सेकंड स्टेप देना है पूरे 5 मिनट तक। 2-3 मिनट भी दे सकते हो, अगर टाइम है तो 5 मिनट दे दो, या फिर जैसे कस्टमर पेमेंट कर रहा है आपको उस हिसाब से। तो इस तरीके से जो भी स्टेप दे रहे हो उसके बाद से आपको सर्कुलर मूवमेंट करना ही करना है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में टाइपिंग करनी होती है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि सारी जो हमारी क्रीम है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगी और अपना वर्क अच्छे से कर पाएगी। अगर आपको इस तरीके से करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इस तरीके से पूरे फेस पे क्रीम को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कराना है।
हुआ सर्कुलर मोमेंट। ओके, फोर्थ स्टेप में आपको इस तरीके से करना होता है, इससे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। पांचवे स्टेप में आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ स्किन को करना होता है, इससे जिसकी जितनी स्किन लूज पड़ी होती है उसको रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगा। लास्ट में आपको प्रेशर पॉइंट देना होता है, प्रेशर पॉइंट के लिए आपको इस तरीके से आइज पे मसाज करना है, यहाँ पे दबाना है, यहाँ पे दबाना है, फिर अगेन वापस लाना है, यहाँ पे दबाना है, फिर यहाँ पे दबाना है, फिर प्रेशर के साथ आपको लेके जाना है और यहाँ पे दबा देना है, फिर आपको चिक बोन्स के जस्ट नीचे दबाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे फील करना है, आपको धक धक सी आएगी, उसके ऊपर दबा के रखना है। जब आप इसको दबाओगे तो आपके पूरे फेस में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जिससे कि आपको ग्लो आएगा बहुत अच्छा। इसी तरीके से आपको 4 से 5 बार करना है। उसके बाद आपको पूरे फेस को साफ कर देना है और ये सारे फेसियल स्टेप आपको अच्छे से याद करना है। तो इस तरीके से हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हुए पपाया फेशियल किट के, एंड ये है हमारा 5वां स्टेप एंटी टैन पैक। तो इसको हम लोग लगाएंगे, उसके बाद फिर लास्ट में जो है वो है मॉइस्चराइजिंग जेल। मॉइस्चराइजिंग जेल लगा के उसको रिमूव नहीं करना है। तो इतना इसमें से फेस पैक निकला है। उसको इस तरीके से ज़्यादा फैलाएंगे और पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। पैक को कभी भी नीचे की तरफ से नहीं लगाना होता है। पैक सूखने के बाद हम लोग जेल लगाएंगे एंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा VLCC पपाया फेशियल किट के 6 फेशियल स्टेप बाय स्टेप। इसको मैंने लगा लिया है, ये तुरंत लगाने पे थोड़ी सी जलन फील होगी लेकिन बाद में बहुत अच्छा ठंडा और रिलैक्स फील कराएगा। ओके, तो मिलते हैं इसको सूखने के बाद। तो फ्रेंड्स, पैक मेरा सूख चुका है एंड इसको मैंने 15 से 20 मिनट रखा था क्योंकि फ़ोन बंद हो गया, फिर मैंने फ़ोन चार्ज किया, अभी फिर मैं रिमूव कर रही हूँ इसको। तो रिमूव करने के लिए आपको डायरेक्ट स्पंज या किसी चीज़ से रिमूव नहीं करना है, पहले पानी को इस तरीके से लगाना है फेस पे एंड हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, जिससे कि आपका जो फेस पैक है वो इजीली रिमूव हो जाए और आपको प्रॉब्लम भी ना हो, स्किन पे कोई दिक्कत भी ना आए। तो इस तरीके से मसाज करने के बाद ही फेस पैक को रिमूव करना चाहिए, कभी भी डायरेक्टली स्पंज से नहीं उतारना चाहिए। VLCC का जो पपाया फेशियल किट है इसमें 6 स्टेप होते हैं, पूरे स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताए हैं। अगर आप आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको ब्लीच सूट नहीं करता है, तो उसके लिए वीडियो अलग से अपलोड हो चुकी है, आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है। अब इसका जो लास्ट स्टेप है वो है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल। ओके, तो इसको लगा के आपको फेस को कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद वॉश करना है, तुरंत नहीं वॉश करना है। ओके, तो इतना सारा इसमें जेल मैंने ले लिया है और पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर दोगे, आईज के आसपास भी। अब इसको फेस पे सूखने देंगे
और उसके बाद आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अच्छे से सारे स्टेप समझ में आए हो। फिर भी कोई डाउट रह गया, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ। एंड आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम लोग और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लाने की कोशिश करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सॉरी प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों के साथ वीडियोज बनाती हूँ मैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, और ये वीडियो आपने एंड तक वॉच कर लिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।